तस्वीरें आ रही हैं कोलकाता से, जहां बीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन्स का प्रयोग किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है। ये देखिए कैमरा के सामने कैसे प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर वहां से निकाला जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से फोर्स अपनाते हुए वहां पर प्रदर्शनकारियों को अलग करने में, उनको तितर बितर करने में, उस प्रदर्शन को तोड़ने में। प्रदर्शन इस बात पर कि बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ गई हैं, इन बढ़ती हुई दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है बंगाल के कोलकाता में। आशिका जुड़ रही हैं। आशिका, कौन है इस प्रदर्शनकारी का नेतृत्व करने वाले, भाजपा की तरफ से कौन कौन शामिल है वहां पर? जी देखिए, भाजपा की तरफ से युवा मोर्चा के नेता हैं, राजू बैनर्जी हैं, सौरभ सिकदर हैं, और भी युवा मोर्चा के नेता हैं, जो बिजली की बड़ी दरों को लेकर के आज सीएससी के दफ्तर, सीएससी वो कंपनी है जो यहाँ पर बिजली मुहैया कराती है, उनके दफ्तर के सामने तक प्रदर्शन करते हुए जाना चाहते थे। थोड़ी देर पहले ये रैली बीजेपी के कार्यालय से निकली और पुलिस ने इन्हें सेंट्रल एवेन्यू पर रोक दिया, और इसी दौरान जो है पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करके भाजपा कार्यकर्ता कर रहे थे, तभी उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। ज्यादा मैं ये भी बता दूं आपको कि ये चेतावनी भी नहीं दी गई ज्यादा देर तक, और सीधे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। क्या चेतावनी दी गई थी? क्या जो प्रदर्शनकारियों की प्रवृत्ति है वो हिंसक हो गई थी, जिसकी वजह से इस तरह के और इतने फोर्सफुल वाटर कैनन्स का प्रयोग किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर पुलिस एक तरफ कर रही है, कुछ को चोटें भी लगी हैं, यही तस्वीरें बयां कर रही हैं आशिका? जी बिल्कुल, वहां से पुलिस जो है, पुलिस ने ज्यादा देर तक चेतावनी भी नहीं दी और सीधे वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू किया। काफी देर तक ये वाटर कैनन चलता रहा है, और वहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको अब वहां से गिरफ्तार करके पुलिस वहां से ले जा भी रही है। आनंद जी, आप ये कह रही हैं कि पुलिस ने चेतावनी नहीं दी, क्या जो प्रदर्शनकारी थे वो हिंसक हो गए? क्योंकि उसमें से अभी एक दिख रहा है, किसी एक को सर पे चोट भी लगी है, खून बहता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें थोड़ा विचलित कर सकती है हमारे दर्शकों को? जरा ध्यान से थोड़ा सा एहतियात बरतें, घर में अगर बच्चे इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आशिका ये देखिए, ये कुछ प्रदर्शनकारी है जो वहां खड़े होकर बोल रहे हैं, उनको चोटें भी लगी हैं, किसी के तो सर से खून निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बर्बरता, इस तरह का जो शासन है ममता बनर्जी के अंदर, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली की भी दरें बढ़ा दी, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी, कट मनी का राज चल रहा है, तोलाबाजी का राज चल रहा है, यही सब आरोप लगा रहे हैं वहां प्रदर्शनकारी। जी बिल्कुल आनंद जी, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं इन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, और वाटर कैनन के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि चेतावनी बहुत देर तक नहीं दी गई, जैसे कि 3 या 4 बार चेतावनी दी जाती है, ऐसा कोई मौका नहीं दिया पुलिस ने और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या ये जो कार्यकर्ता थे ये हिंसक हो गए थे, जो वाटर हम लोग सीएससी की तरफ जा रहे थे, पुलिस इंचार्ज ने उनके सर पर लाठी दे के हमला किया है, और ये जो ममता बनर्जी चाह रही है इस बंगाल में, युवा मोर्चा आज मैदान में उतर चुकी है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सीएससी पे हमने धावा बोला है, बाकी राज्य की तरह यहाँ पे बिजली का अवध बहुत ज्यादा है, इसीलिए युवा मोर्चा इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी जब तक बिजली का दाम कम नहीं हो जाता। आज विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस ये फिर यही आरोप लगाया जा रहा है। अब ये आरोप है कि जो ये देखिए, फिर एक और स्थानीय जो व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, उससे मीडिया बात कर रही है। आंदोलन कौन कौन है, मैंने अधिकार नहीं ना की, अरे अधिकार केड़े नीचे रहा, गोली मारा पहले, गोली पुलिस ने सामने मारा, मेरे को अटैक किया, मेरे पर वार किया, आंदोलन किया था मैंने, आंदोलन करने का अधिकार मेरे को। अब वो व्यक्ति कह रहा है, आरोप ये लगा रहे हैं जो पुलिस इंचार्ज है, उसने लाठी से सीधा सर पर वार किया और उसका सर फूट गया, ये कह रहा है वो व्यक्ति, जिसको कि फिर ले जाया गया घसीट करके। पूरी तरह से ये जो आशिका देख रहे हैं हम, ये राजनीतिक चुनौती है भाजपा की ममता बनर्जी सरकार को। अभी कुछ 1-1.5 साल के अंदर वहां पर चुनाव होने वाले हैं, साथ ही बहुत सारे आरोप हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है ममता बनर्जी सरकार पर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के काडर पर आरोप है, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर आरोप हैं कि वो कट मनी यानी एक्सटॉर्शन करते हैं, हर चीज़ पर
प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स है या स्टेट की स्कीम्स है, उसमें भी पैसा वसूलते हैं। और अब यहाँ पर बिजली की दरों को भी बढ़ा दिया है, उस पर भी आज प्रदर्शनकारियों पर बिना वार्निंग वाटर कैनन फायर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर, एक एक व्यक्ति को चार चार पुलिस वाले घसीट करके लेके जा रहे हैं, यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल आनंद जी, जैसे कि आपने बताया, राजनीतिक द्वंद्व इसे कह सकते हैं, बीजेपी के लिए ये लड़ाई है बड़ी। इससे पहले की एक और घटना मैं आपको बता दूं, वीरभूम में एक बीजेपी का कार्यकर्ता को गोली लगती है, आरोप टीएमसी पर लगता है। इलाज के दौरान उसे चोट, जो कोलकाता में उसकी मौत हो जाती है, उसके शव को लेकर के यहाँ पर राजनीति शुरू हुई। बीजेपी की तरफ से ये मांग थी कि शव को ले जाने की अनुमति मिले, और बीजेपी अपने दफ्तर तक जो है रैली निकालना चाहती थी शव के साथ, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। और रातों रात पुलिस ने जो शव है उस कार्यकर्ता का, उसे वीरभूम में पहुंचा दिया उसके घर पे। घर वालों ने नाराजगी भी जताई कि हमारी जो मांगे थी वो नहीं सुनी गई, और हम जो इसकी मांग कर रहे थे कि नहीं हमें शव कोलकाता में दिया जाए, वो नहीं दिया गया। अब क्या इस प्रोटेस्ट को ले जाने की इनके पास अनुमति थी, कहां पर इनको रोका गया, आशिका कुछ डिटेल्स बताइए। युवा मोर्चा के करीब 100-200 कार्यकर्ता भाजपा के दिख रहे हैं वहां पर, उनका कहना है कि वो आगे बढ़ रहे थे लेकिन इनको जबरन एक तो रोका गया, और दूसरा बिना वार्निंग इन पर वाटर कैनन छोड़ दिए गए ताकि इस भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को तोड़ा जा सके, तितर बितर किया जा सके। जी बिल्कुल, ये रैली बीजेपी के मुख्यालय से निकली थी, सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए ये सीएसी के दफ्तर विक्टोरिया हाउस पे आना चाहते थे, जिस दौरान ये घटना हुई यहाँ पर इन्हें रोका गया। और एक के बाद एक पुलिस ने तीन बैरिकेड लगाए थे। बीजेपी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे उनकी ये मांग थी कि उन्हें सीएसी के दफ्तर तक जाने दिया जाए, और वो इसी वजह से बैरिकेड को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे जब पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ दिया। जी आशिका, आपके अपडेट्स के लिए धन्यवाद। ये पिक्चर्स आ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी इन्हें देख रही है, क्या कोलकाता सरकार, क्या बंगाल सरकार इन्हें देख रही है। भाजपा की तरफ से आए दिन प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, दबाव ममता बनर्जी सरकार पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल बिजली की बड़ी दरों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी तेज धार से वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, इस तेज धार में भी लोगों को चोटें लगी। सीएससी की तरफ जा रहे थे, पुलिस इंचार्ज ने उनके सर पे लाठी देके हमला किया है, और ये जो ममता बनर्जी चाह रही है इस बंगाल में, युवा मोर्चा आज मैदान में उतर चुकी है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सीएससी पे हमने धावा बोला है, बाकी राज्य की तरह यहाँ पे बिजली का अवध बहुत ज्यादा है, इसीलिए युवा मोर्चा इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी जब तक बिजली का दाम कम नहीं हो जाता। बिजली की दरें ज्यादा हैं, उस पर अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो पानी के फव्वारे